बिजनेस में दो ही चीजें इंसान को कामयाब बनाती है, एक मेहनत और दूसरी नई सोच। ऐसी सोच जिसे ना पहले किसी ने आजमाया हो या फिर उस पर इतनी शिद्दत से काम ना किया। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने एक बड़े ही आम चलन को एक नया रूप दिया और खड़ी कर दी अरबों की कंपनी। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी बायजूस लर्निंग ऐप के फाउंडर बायजू रविंद्रन की सफलता की कहानी और उनकी बायोग्राफी के बारे में। आज बायजूस लर्निंग ऐप केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। इस कंपनी की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने अकेले की थी, लेकिन आज के समय में इस कंपनी के साथ 9000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर बायजू रविंद्रन ने इस कंपनी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। बायजू रविंद्रन का जन्म 1981 में केरल के एक छोटे से गाँव अजीकोडे में हुआ था। उनके पिता और माता दोनों ही पेशे से टीचर थे। बायजू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक मलयालम मीडियम स्कूल से की थी, जहां उनके माता पिता भी पढ़ाते थे। उनको बचपन से ही गेम्स खेलने में बहुत ही ज्यादा रुचि थी और इसीलिए वो कभी कभी क्लास बंक भी कर लिया करते थे। बायजू के माता पिता उसी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बायजू को पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं किया। उनका मानना था कि बच्चे पढ़ाई के अलावा खेलकूद से ज्यादा कुछ सीखते हैं। खेल बच्चों को हार और जीत के अलावा भी बहुत कुछ सिखाता है। बायजू मलयालम मीडियम से थे, इसीलिए उनकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री से इंग्लिश सीखी। बायजू ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और कॉलेज से ही उनकी एक विदेशी कंपनी में जॉब लग गई। विदेश में काम करते वक्त उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें बेंगलोर बुलाया था, क्योंकि बायजू मैथ्स में बहुत ही ज्यादा होशियार थे और उनके दोस्त कैट की तैयारी कर रहे थे। बायजू के दोस्त चाहते थे कि वो उन्हें मैथ्स पढ़ाए। बायजू ने उनकी पढ़ाई में मदद की और साथ ही उन्होंने भी कैट का एग्जाम दिया। हालांकि बायजू ने ऐसे ही टाइम पास के लिए इस एग्जाम का फॉर्म भर दिया था, फिर भी उन्होंने इस एग्जाम में 100% मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन बायजू का MBA करने का कोई भी विचार नहीं था और वो वापस अपनी जॉब करने विदेश चले गए। साल 2005 में बायजू किसी काम से वापस बेंगलोर आए थे और फिर उनके दोस्तों ने उनको एग्जाम की तैयारी में मदद करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने 1200 स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई और उनके पढ़ाने का अंदाज सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी वजह से बायजू ने अपनी जॉब छोड़ दी और टीचिंग लाइन में ही अपनी करियर बनाने की सोची। फिर बायजू अलग अलग शहरों में पढ़ाने लगे और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगे। उनके स्टूडेंट्स ने उनकी कोचिंग का नाम बायजूस क्लासेस रख दिया। जब बायजू बड़े बच्चों को पढ़ाते थे तो उनको लगा कि उनका जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि जो स्कूली पढ़ाई का आधार है, वही सही नहीं है। और इसी के बाद बायजू ने साल 2011 में स्कूली पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए थिंक एंड लर्न नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी को अच्छी कामयाबी मिली और साल 2015 में बायजू रविंद्रन ने बायजूस लर्निंग ऐप को लॉन्च किया। बायजू ने विजुअल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से पढ़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। बायजूस लर्निंग ऐप के बहुत ही कम समय में 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए थे और भारत की सबसे बड़ी लर्निंग ऐप बन गई। चलिए अब उनके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, अपनी नौकरी के दौरान ही रविंद्रन ने कैट का एग्जाम भी दिया था और एग्जाम में उन्हें 100% मार्क्स आए। लेकिन रविंद्रन अपने इस रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ये देखने के लिए फिर से कैट का एग्जाम दिया कि क्या वो वाकई में इतने कैपेबल हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये रही कि दूसरे एग्जाम में भी उन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त किए और इस तरह उन्होंने दो बार कैट का एग्जाम दिया और दोनों ही बार 100% मार्क्स प्राप्त किए। नंबर 2, बायजूस ऐप 2015 में लॉन्च हुआ और सिर्फ 3 महीनों में ही 2 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसे डाउनलोड किया। नंबर 3, बायजूस लर्निंग ऐप पहला ऐसा लर्निंग ऐप है जिसे एक साथ कई विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। नंबर 4, किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने में एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। भारत जैसे देश में बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स सबसे ज्यादा ट्रोल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी इनकी ही है। बायजू ने इन्हीं दोनों को अपने प्रमोशन का सोर्स बनाया। बायजू ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के राइट्स खरीद लिए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 5 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जर्सी पर आपको बायजूस लिखा हुआ दिखेगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।